नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है डीवी न्यूज में। बिहार के मुजफ्फरपुर में कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए खूनी खेल को अंजाम दिया गया है। एक वकील के घर में घुसकर 5 लोगों को गोली मारी गई है, जिसमें एक प्रॉपर्टी डीलर और एक बॉडीगार्ड भी मौके पर मर चुका है, जबकि वकील और 2 बॉडीगार्ड को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक और गार्ड ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शुक्रवार देर रात 2 बाइक सवार 4 बदमाश वकील सैयद कासिम हसन के घर में दाखिल हुए और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इस फायरिंग में चर्चित प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही, उनके बॉडीगार्ड मोहम्मद निजामुद्दीन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं वकील सैयद कासिम हसन समेत 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक और बॉडीगार्ड राहुल कुमार ने दम तोड़ दिया है। वारदात की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई है। साथ ही आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमों को लगा दिया गया है।